हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2021, और जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था, जब भी फटाफट यहाँ पे रिजल्ट आउट होगा मैं फटाफट आपके साथ रिजल्ट एंड साथ में बोनस का नोटिस लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों, अभी जस्ट कुछ ही मिनट हुआ है, IEX का रिजल्ट आउट हुआ है, साथ में बोनस भी डिक्लेयर किया, दमदार रिजल्ट हुआ है। चलिए फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं और आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा उसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था, जब भी IEX मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का Q2 का रिजल्ट साथ में बोनस शेयर का नोटिस आउट होगा, फटाफट मैं आपको सबसे पहले वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। बस कुछ ही मिनटों पहले ये नोटिस आउट हुआ है, आप डेट देख सकते हो 21 अक्टूबर 2021 आज की डेट पे। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बोनस शेयर का नोटिस देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम Q2 का रिजल्ट पे भी चलेंगे। दोनों ही दोस्तों धमाकेदार हुआ है, Q2 का रिजल्ट भी बम्पर आया है, तो इसका इंपैक्ट हमें कल मार्केट ओपन होगा जब इसके अंदर हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, A to Z ध्यान से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों, बोनस शेयर का नोटिस। तो कंपनी ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि दो इक्विटी शेयर मतलब दो बोनस शेयर देगा 1 एग्जिस्टिंग शेयर के साथ। इसका मतलब है कंपनी ने 2:1 रेशियो पे बोनस डिक्लेयर किया है, मतलब आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है तो उसके साथ आपको दो बोनस शेयर मिलेगा, यानी एग्जीक्यूशन डेट के बाद आपके पास टोटल हो जाएगा 3 शेयर। तो समझ लीजिए कि किसी के पास 5 शेयर है तो उसको बोनस मिलेगा 10, तो एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएगा टोटल 15। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आपके पास जितना शेयर है उसका 3 फोल्ड हो जाएगा, मतलब 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बट उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए क्या कि जो एग्जीक्यूशन के समय जब मार्केट प्राइस रहेगा, ठीक है, उसका 1/3 भी हो जाएगा शेयर, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और गलती से भी दोस्तों, बोनस शेयर को देख के कोई भी शेयर में इन्वेस्ट मत करना। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, क्योंकि ये बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट, इसका फायदा उन्हीं शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा मिलता है जो कि एकदम ग्राउंड लेवल पर शेयर के अंदर खरीदारी किया है। दूसरी पॉइंट, क्या ये इसका रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है? तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट डिक्लेयर नहीं किया, कंपनी ने सिंपल 2:1 रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। और रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट वो आगे ऑलमोस्ट 1 महीने के भीतर ही हमें नोटिस भेज के फिर से हमें इन्फॉर्म कर देगा। तो चलिए, बोनस का नोटिस जो जिसके लिए इतना ज़्यादा लोग एक्साइटमेंट था, नोटिस तो हमने देख लिया। अभी जो इम्पोर्टेंट आ रहा है, कंपनी का रिजल्ट कैसा है। दोस्तों, रिजल्ट भी बहुत ही तगड़ा, बहुत ही सॉलिड आया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करके लेके चलता हूँ। तो ये है आपके सामने IEX का Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। ध्यान से सुनना दोस्तों, आप लोग स्किप करके देखते हो इसलिए समझ नहीं आता। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने फिगर थोड़ा गलत पढ़ा। एक्चुअली ये नहीं, एक्चुअली देखिए यहाँ पे लैक्स में लिखा होता है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी लगे। लैक्स में अगर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा फिगर हो जाएगा, राइट? तो इसलिए मैं करोड़ पे कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये करेंट क्वार्टर यानी सितंबर 2021 का रिजल्ट, ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट मतलब जून क्वार्टर का, और ये है लास्ट ईयर मतलब सितंबर 2020 का रिजल्ट। ये तीनों क्वार्टर को हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आता है कंपनी का टोटल इनकम। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 122 करोड़ रुपये, ये 12,000 नहीं 122 करोड़ रुपये, क्योंकि पूरा का पूरा फिगर लैक्स में है, ध्यान से सुनना, ठीक है? जो कि लास्ट क्वार्टर मतलब जून 2021 पे कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 102 करोड़ रुपए। अगर देखा जाए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला। उसके साथ साथ दोस्तों, लास्ट ईयर सितंबर 2020 में कंपनी का टोटल इनकम आया था सिर्फ और सिर्फ 78 करोड़ रुपए, मतलब 78 करोड़ से दोस्तों सीधा 122 करोड़ तक कंपनी का टोटल रेवेन्यू पहुंच गया है, मतलब कंपनी का ह्यूज जंप देखने को मिला, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें चाहे हम ईयर ऑन ईयर की बात करें। तो चलिए, ये तो हो गया टोटल इनकम का सिलसिला। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोई भी कंपनी का, वो होता है कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी का खर्चा अगर अंडर कंट्रोल ला तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर हमें ह्यूज ग्रोथ दिखाई देगा। तो देखिए, IEX का इस क्वार्टर मतलब सितंबर 2021 पे टोटल एक्सपेंसेस का नंबर आया है 20 करोड़ 19 लाख रुपए का,
जो कि लास्ट क्वार्टर जून 2021 पे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस का नंबर था अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ रुपए के आसपास। तो आप देख ही सकते हो, एक तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे टोटल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके साथ साथ कंपनी का एक्सपेंसेस भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है थोड़ा बहुत। अगर हम बात करें लास्ट ईयर का, मतलब सितंबर 2020 का, तो कंपनी का अगर देखें तो टोटल एक्सपेंसेस का नंबर था 20 करोड़ 23 लाख के आसपास। यानी इसके अंदर कुछ खास हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला, अप्रॉक्सीमेटली सारे ही क्वार्टर में हमें वही 20 करोड़ के आसपास ही कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस आया है। बट उसके साथ साथ कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर हमें ह्यूज जंप देखने को मिला। तो इसके साथ साथ आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट उसके अंदर हमें कितना ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब जो टैक्स वगैरह है वो रिड्यूस होने के बाद जो बचता है उसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट कहा जाता है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों ह्यूज, ह्यूज मतलब 77 करोड़ 38 लाख रुपीज़, मतलब 77 करोड़ 38 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 62 करोड़ 10 लाख। यानी देखा जाए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो दोस्तों ऑलमोस्ट 75% का जंप आया है नेट प्रॉफिट के अंदर, जहाँ पे लास्ट ईयर मतलब सितंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था 44 करोड़ 33 लाख के आसपास, इस क्वार्टर में बढ़ चुका है 77 करोड़ 38 लाख, मतलब 75% के आसपास कंपनी का ह्यूज जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर पे। साथ में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया, और क्या चाहिए आपको, कल तो रिसीजर एकदम रॉकेट बन जाएगा। मैं तो कब से बोल रहा हूँ इसके अंदर फटाफट शेयर उठाइए, क्योंकि कंपनी पूरा कोड़ा मोनोपोली है, साथ में कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है, पावर सेक्टर का फुल्ली एक्सचेंज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी का EPS अर्निंग पर शेयर बेसिक एंड डाइल्यूटेड, जिसके अंदर भी हमें ह्यूज जंप देखने को मिला, क्योंकि ऑफकोर्स वह कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ पे देखिए EPS भी बढ़ेगा ही। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें वहाँ पे भी दोस्तों, जहाँ पे इस क्वार्टर पे है 2.60 का बेसिक एंड 2.60 का डाइल्यूटेड, जो लास्ट क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो बढ़ चुका है। एंड ईयर ऑन ईयर पे अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट ईयर पे ये नंबर था EPS का 1.49 का बेसिक, 1.49 का डाइल्यूटेड। तो ईयर ऑन ईयर पे भी हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला अर्निंग पर शेयर के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए दोस्तों, रिजल्ट बहुत ही शानदार धमाकेदार हुआ है, साथ में कंपनी ने बोनस शेयर भी डिक्लेयर किया है 2:1 रेशो में। तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों कल कैसे देखने को मिलेगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कल तेज़ी आएगा या गिरावट आएगा। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए दोस्तों, कभी कभी ऐसे उल्टा भी हो रहा है कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से कल अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। आज की डेट पर बात करें तो शेयर लगभग 4% के आसपास गिरा है। मैं कल भी आपको याद होगा शेयर्स टू बाई टुमारो में IEX रिकमेंड किया था कि जितना हो सके दबा के माल उठाइए, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक जितना गिरे उतना बढ़िया। कुछ टाइम पहले याद होगा जब कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था, उसी दिन दोस्तों उसके नेक्स्ट दिन ऑलमोस्ट 950 रुपये के आसपास पहुँच गया था, आज की डेट पर 750 रुपये ह्यूज डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है IEX जैसे एक क्वालिटी स्टॉक का शेयर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक्सीलेंट कंपनी है दोस्तों। सिंपल बात है दोस्तों, अगर हम देखें दोस्तों लास्ट एक महीने पे देखिए शेयर ऊपर की तरफ गया था, बट लास्ट दो दिन में इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिला, फिर भी 26% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें मैक्सिमम तो भी आप देख सकते हो, जब से लिस्ट हुआ 2017 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास ही हुआ है, लगभग 384% का रिटर्न दिया। लास्ट एक साल पे दोस्तों ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 286% का। ये शेयर जब 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आपको याद होगा उसी टाइम से मैं आपको लगातार बोल रहा था कि इसको इग्नोर मत कीजिए, फटाफट जितना हो सके शेयर को उठाइए। आज की डेट पर देखते ही देखते शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों ध्यान देना 2:1 रेशियो पे, एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, बोनस शेयर दिया है, साथ में कंपनी का रिजल्ट भी बहुत ही तगड़ा आया है। तो जो भी लेवल कल मिले फटाफट बिना किसी डाउट के उठा लेना, कल मुझे लगता है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने का चांस है। बट उसके साथ साथ गिरावट के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना है, गिरावट मतलब अगर डिप्स में आता है तो हर एक डिप्स में BOD स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप्स में शेयर को पिक करते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते रहिए। वीडियो का भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।